बस यार अपना जितना भी मेमथ है ये सारा मर गया, तो हम लोग गए तीनों पोकेमोन मिलके इसका बैंड बजा दिया, ये वाला देखो वो वाला देखो। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज हम खेल रहे हैं पैल वर्ल्ड। तो जैसा कि गाइज ये अपना 37 एपिसोड होने जा रहा है, और कल की वीडियो पे हम लोग यार अच्छा से एक्सप्लोर किए थे जो कि नया आइलैंड था। तो यार ओम प्रकाश, नया वाला जो आइलैंड था उसका नाम क्या था? साकुजीमा। तो साकुजीमा पे हम लोग गए थे, वहां से पोकेमोन पकड़ के लाए थे, जो कि चलो दिखाते। ये रहा एक पोकेमोन, जो कि यार ये वाला फॉरेस्ट वाला पोकेमोन है, बट जो मतलब कि अपडेट में जो पोकेमोन आया था वो मुझे दिखाना है। वो कहाँ गया? वो रहा फ्रॉगी। तो ये वाला फ्रॉगी नया आया अपडेट में, जो कि कल की वीडियो पे हम लोग पकड़ लिए है। अभी देखो बेस पे पोकेमोन दिख नहीं रहा होगा, तो ये मत समझना भाई कि पोकेमोन सब गायब हो गए। पोकेमोन हमारे पास है, जो पहली बार देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि यार इनके पास तो पोकेमोन नहीं है, बट ऐसा बात नहीं है, पोकेमोन हमारे पास है। तो चलो दिखाते। बाकी देखो ये वाला जो यार क्या कर रहा है थ्रीसम भाई, यहाँ पे देख तीन तीन पोकेमोन एक साथ बैठे हुए यहाँ देख। बट गाइस हम जो बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग यार कोई बड़ा सा चैलेंज करेंगे और कोई बॉस पोकेमोन को पकड़ेंगे, तो आज वक्त आ चुका है कि बॉस पोकेमोन को पकड़ने का। और मेरे साथ हमारे दोस्त भी जा रहे हैं, जो कि मतलब कि टीम वर्क में अच्छा होगा कि यार हम लोग पकड़ लेंगे। वो बॉस कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का है, तो इसलिए मैंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया है। तो चलो यार दिखाते हैं कौन सा पोकेमोन को पकड़ना है। तो देखो यार आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं, तो हमारे पास मैमथ का कलेक्शन था। अभी देखो क्या है कि पूरा एक लिस्ट मैमथ का हो चुका है कंप्लीट, बस यहाँ पे एक बचा हुआ है, तो इसको आज पकड़ लेंगे। और देखो ये सब नया नया पोकेमोन हम कल पकड़ के लाए थे, जो कि नया अपडेट में था। बाकी देखो अभी सबसे पहले एक मैमथ पकड़ना है, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक बॉस से फाइट लेने, जिसका नाम यार थोड़ा अजीब है। तो ये रहा वो 55 लेवल का पोकेमोन, इसको पकड़ना है। बट यार यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाला बात है कि ये 55 लेवल का है, तो आज हम लोग सोचे कि क्यों ना अपना जितना भी मैमथ है सबको ले जाएंगे, मतलब पूरा बेस उठा के ले जाएंगे, और वहां पे देखेंगे कि क्या मैमथ हमारा लड़ पाता है या फिर मैमथ अपना हार जाएगा। बट यार सबसे पहले जो काम है कि कमेंट आया था कि ब्रीडिंग करवाना है, तो जो जो पहली बार देख रहे हैं कमेंट कर देना कौन सा पोकेमोन का ब्रीडिंग करवाना है। तो चलो ये रहा अपना ये वाला नाम जो चैनल का है, तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। बाकी चलो सबसे पहले गाइस ब्रीडिंग करवाते, तो सुनो सबसे पहले हमें ब्रीडिंग करवाना है। तो ब्रीडिंग में जिसका नाम आया है वो पोकेमोन है अनुबिस और है मिनास्टिंग हमारे पास है, जो कि कहाँ गया? वो रहा देखो वहाँ पे दिख रहा तुमको, ये बिच्छू का और अनुबिस का। तो सबसे पहले चलते हैं ब्रीडिंग वाला फार्म में। तो आप लोग को तो पता होगा कि हमारा फार्म दूसरा जगह है ब्रीडिंग वाला, तो चलो फटाफट टेलीपोर्ट करते। बट एक सेकेंड यहाँ बेस से इसको निकाल देते, बेस से ये लोग को निकालने दो ना। ये रहा मिनास्टिंग नाम है कि क्या नाम है पता नहीं, इसको यहाँ पे डालते। और जो अनुबिस है, अनुबिस तो मेरे पास है, तो ओम प्रकाश आप फटाफट केक बना लो। बाकी हम लोग मिनास्टिंग को निकाल लिए, अनुबिस को निकाल लिए। तो चलो यार फटाफट अपना दूसरा वाला बेस चलते, जो कि अपना यहाँ पे, जल्दी से केक बनाओ ओम प्रकाश और पहुंचो। तो चलो गाइस ये रहा अपना दूसरा बेस, और यहाँ पे पहले वो दोनों पोकेमोन को डाल देते बेस पे, जो कि कमेंट आया था ब्रीडिंग रेयर पोकेमोन निकल सकता है, बंदे का कमेंट है। तो आप लोग भी कमेंट कर देना क्या क्या ब्रीड करवाना है। बाकी देखो ये रहा जहाँ से अंडा बाहर निकलेगा, हमारे पास 2, 4, 5, 6 पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट जो मतलब जो आखिरी ब्रीड हुआ था वो हुआ था किट्सुन के साथ, अगर आप लोग को याद होगा वीडियो पे 35 एपिसोड था, तो किट्सुन का ब्रीड हम लोग किए थे, जिसमें से कोई रेयर पोकेमोन ही निकला था, मुझे लगता है यही निकला था, ये वाला मिनास्टिंग। तो आज इसी का ब्रीड करवाना है। तो चलो यार जल्दी से केक लेके आओ, बाकी ये सबको बेस पे डालते हैं। तो चलो इसको पिक करते पहले, और ये रहा अपना पहला पोकेमोन। मुझे ये भी नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल, एक बार डाल के देखते। तो चलो इसको यहाँ पे डालते, और यहाँ पे देखो एक फीमेल आ चुका है, यानी कि अनुबिस हमें मेल चाहिए। तो देख तो यार अनुबिस मेल है कि नहीं, एक सेकेंड यहाँ पे आके देख लेते। अनुबिस अपना मेल है। तो अनुबिस कहाँ गया यार? अनुबिस बेस पे तो वो रहा सामने। भाई क्या कर रहा है यहाँ पे? चलो इसको पिक करते, ये चुपचाप खड़ा है भाई। बाकी देखो इसको गोदी उठा ली है, तो चलो इसको डालते अनुबिस को, और देखते यार कौन सा रेयर पोकेमोन निकलता है। उम्मीद करते क्योंकि यार अनुबिस जा रहा है ब्रीडिंग पे, तो रेयर पोकेमोन तो निकलेगा। तो देखो यहाँ पे मेल फीमेल कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ केक डालना है। जल्दी से ओम प्रकाश केक लेके आओ। आ रहा हूँ। चलो यार अपना केक आ चुका है, जल्दी से इसमें केक डाल दो। और चलो यार केक भी हो चुका है, यहाँ पे अपना ब्रीडिंग भी चालू हो चुका है। तो पहला टास्क कम्प्लीट हुआ, ये लोग का ब्रीडिंग होने देते, अब चलेंगे मेन टास्क पे। सब यहाँ पे आ जाओ। देखो यार अभी हम लोग को करना है सबसे बड़ा जो पोकेमोन, जो कि बताए कि वो स्नो टाइप पोकेमोन है 55 लेवल का, उसको पकड़ने के लिए हमें लगेगा कम से कम 55 मेमथ नहीं
कम से कम हम लोग अपना सारा मैमथ को लेके जाएंगे, और ये सब जो गंध हम लोग दिखा रहे हैं ना, ये गंध से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक काम करते हैं ना, अपना बेस पूरा उठा के लेके चलते हैं, जितना भी मैमथ होगा सब चलेगा। तो चलो तैयार है, तो सबसे पहले हम लोग को कहाँ टेलीपोर्ट करना वो देखो। तो ये रहा अपना मैप, और टेलीपोर्ट करना रुको हम बता दे रहे तुम लोग को, यहाँ पे देखो दिख रहा है लैंड ऑफ जीरो लिखा होगा, वहाँ टेलीपोर्ट करना है। तो फटाफट चलो यार, बाकी सबने सूट पहना है ना वो वाला ठंड वाला, क्योंकि रात ना हो जाए बस। तो चलो यार फटाफट यहाँ से निकलते। कहाँ गया टेलीपोर्ट पॉइंट? वो रहा टेलीपोर्ट वाला। तो चलो यहाँ से फास्ट ट्रैवल करना है, और हम लोग को चलना है वो वाला, ये वाला हम लोग पहले भी ओपन कर रखे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, जल्दी से टेलीपोर्ट करते। तो यार हम लोग आ तो गए, बट ये बताओ यार हम पॉकीमॉन लेके नहीं आए, मुझे वापस से जाना होगा। रुको हम पॉकीमॉन लेके आ रहे हैं, भाई पॉकीमॉन लाए नहीं है, मुझे पॉकीमॉन लाना होगा। तो चलो यार यहाँ से फटाफट हम पॉकीमॉन को ले लेते, और इसको क्यों ले रहे, ये वाला लेते, ये वाला रेयर है, ये वाला भी रेयर है, और एक तो किंग पाका नहीं, ये वाला ले लेते। अरे यार ये क्यों चला गया। चलो यार चार पॉकीमॉन सही है। अभी देखो मैमथ हम लोग के पास एक कम है, मुझे और एक मैमथ चाहिए। वापस आओ वापस, यहाँ पे एक मैमथ पकड़ना होगा सबसे पहले। जल्दी आओ बेस पे, अपने वाले बेस पे आना, पहला बेस पे नीचे ही मैमथ है। फटाफट चल के पकड़ते और देखते यार कि कैसा फाइट होता है अपना। चलो यार फटाफट हम आ चुके हैं, मुझे लगता है मैमथ नीचे ही रहता है, क्योंकि एक मैमथ कम पड़ रहा है, वो रहा 38 लेवल का। जल्दी आओ भाई जल्दी आओ, फेंको फेंको अपना पॉकीमॉन को फेंको, और उसको डैमेज दो, थोड़ा डैमेज दो, डैमेज दो उसको। मेरा तो गन में एमो ही नहीं है भाई, गन में एमो नहीं है। बाकी देखो सबने अपना अपना पॉकीमॉन छोड़ दिया, मेरा वाला वो रहा जॉर्मोन टाइड है, ये पता नहीं किसका पॉकीमॉन है, बट ये वाला सही लग रहा है, ब्लू वाला। ये वाला मार ना भाई, कैप्चर भी करना है, जल्दी पकड़। एक ही मतलब चाहिए मैमथ, और भाई साहब क्या ही गंदा मतलब यहाँ चल रहा है। कहाँ गया एमो? शायद अपने पे एमो आया नहीं है, शायद आ गया आ गया। चलो एमो मिल चुका है, और फटाफट रिलोडिंग करते। भाई साहब तीनों पॉकीमॉन मिलके इसका बैंड बजा दिया, ये वाला देखो, वो वाला देखो, और मेरा वाला पॉकीमॉन कहाँ चला गया? यहाँ आना भाई। चलो वापस से हम बुला दिए, सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा वाला लग रहा है भाई, तुम लोग से ज़्यादा हाइट में भी ऊँचा है। और भाई मैमथ को मारना इतना आसान नहीं है, जल्दी जल्दी मार, गोली चला गोली चला गोली चला भाई। ये वाला असॉल्ट का डैमेज यार देखो 5%, मतलब लिटरली गाइस 5% डैमेज। इससे अच्छा तो भाई हम लोग यार क्रॉसबो से मार देते। बुला लो पैल, बुला लो, अरे पैल को बुलाओ, पैल को बुलाओ, पैल को बुलाओ, मर जाएगा ये, पैल को बुलाओ, मुझे कैप्चर करना होगा। कैप्चर के लिए पैल स्प्रे है किसी पास? भाई लाल वाला पैल स्प्रे, लाल वाला कैप्चर कर, कैप्चर कर, बहुत सही भाई, बस कैप्चर हो जाए, मुझे नहीं लगता कैप्चर। ओ भाई कैप्चर नहीं हुआ, वापस कर वापस कर, मरने नहीं मत देना, मरने मत देना उसको, सब अपना पैल को वापस बुला लो, मुझे लगता है अब हो जाएगा। चलो यार कैप्चर हो गया, फटाफट चलते वापस से बेस पे और चल के उसको डालते। आ जा भाई, चलो यार अपना ये काम तो हो चुका है, मतलब जो लिस्ट में जितना भी हमारे पास है मैमथ सब हो चुका है कम्प्लीट। अब बस गन लेना है, थोड़ा क्रॉसबो लेंगे, और पैल स्पेयर भी जरूरी यार, पैल स्पेयर हम लिए नहीं थे। चलो यार तुम लोग वहाँ पे डालो, हम एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा पैल स्पेयर रख लेते जो कि 51 ये रहेगा, और हाँ, पर्पल वाला भी थोड़ा रख लेते हैं। खाना खाना बना लो ना, खाना खाना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही घर समझो। बाकी देखो गन चाहिए था, गन मेरे पास है। तुमने मुझे कितना एमओ दिया यार? एमओ तुमने दिया मात्र 12 यार, 12 नहीं तुमने दिया है 31। तुम लोग एमओ बना के रखे हो क्या? यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा चलो यहाँ पे एमओ बना हुआ है, और असॉल्ट का एमओ उठा लो यार, पता चला हम लोग वहाँ पे फाइट में एमओ खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम सोच रहे ना गाइस कि क्यों ना थोड़ा क्रॉसबो भी ले ले, क्योंकि हम चाहते हैं बढ़िया फाइट हो। यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पे सजा के रखे, पहले कितना गंदा था अपना बेस, कोई भी सामान इधर उधर फेंका हुआ रहता था, बट अब सही है, क्रॉसबो ले लेते, और यहाँ से थोड़ा सा एमओ कम लेंगे, जैसे कि हम लोग यार इतना कम भी नहीं लेना। अरे भाई कितना कम हो रहा है, तो चलो यहाँ से थोड़ा एमओ भी ले लेते, और चलो यार ये भी सही है, तुम लोग अपना एमओ रख लेना, क्रॉसबो रख लेना, ठीक है। बाकी चलो जल्दी से हम हाथ में सामान पकड़ लेते, जैसे कि एक जगह गन हो गया, गन दो दो मेरे पास क्या कर रहा है भाई साहब, जो सो रख लेते। चलो अब बिल्कुल सही है, एक हाथ में हो गया मेरा क्रॉसबो, और ये लगा गोली, पॉइजन वाला क्रॉसबो रख लिया, और ये गन रख लिया जिसमें 700 एमओ है। तो गाइस अब बस वक्त आ चुका है चलने का फाइट पे, तो चलो यार जल्दी से टेलीपोर्ट करते। हम लोगों ने मैमथ जो पकड़ा वो यहाँ डाला, ये रहा बेस पे, इसको डाल देते, छोड़ो हम डाल दिए। तो देखो यार यहाँ पे पूरा मैमथ कम्प्लीट हो चुका है, अब देखना भाई कौन जीतता है। तो पहले यहाँ से टेलीपोर्ट करते, फास्ट ट्रैवल कर लो सब, और जल्दी से पहुंचो वो वाले लोकेशन पे जो कि ये वाला चेक पॉइंट है। तो चलो गाइस हम लोग दोबारा से आ चुके हैं, और अब वक्त आ चुका है जाने का। वैसे इसका लोकेशन कहाँ है वो देखो, सामने जाना है ना, तो एक काम करते ना अपना अपना पॉकीमॉन को बुला लो,
देखो ये जानता है, ये थोड़ा ये है क्या बोलते हैं बर्फीला एरिया है, तो यहाँ पे ना फायर टाइप पोकेमोन का ज्यादा मतलब चलेगा पावर, तो कोशिश करो फायर टाइप पोकेमोन का लाने का, क्योंकि ये पूरा आइस एरिया है। बाकी देखो हम लोग सही जा रहे हैं, थोड़ा सा और आगे चलना है। बाकी ये वाला पेड़ का कहानी तो सब हर किसी को पता होगा कि भाई इसके क्लोज जाते ही मतलब कि अलग लेवल का हीट लगता है। वो क्या है भाई यार, ऊपर से कुछ मतलब कि कुछ गिरा, कुछ तो गिरा। चलो आ जाओ, पहुंचने वाले। ये रहा उसका बेस और ये 55 लेवल का पहला पोकेमोन हम लोग पकड़ने जा रहे हैं भाई, ये दिख नहीं रहा है। तो चलो गाइस हम लोग आ चुके हैं इसके बेस पे, और यहाँ देखो भाई 55 लेवल का, इसको ना पहले ऐसे नहीं बुलाएंगे, रुको जल्दी आओ। तुम लोग लगा लिया ना, चलो देखते हैं ट्राई करते हैं यहाँ पे लगाने का। ये बंदा बोल रहा लग जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एकदम परफेक्ट लगाया, फटाफट रिपेयर कर, जल्दी रिपेयर कर यार, ये तो हम भी कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से इसको रिपेयर करते, एक क्लिक में हो गया। अब देखो यार तुम लोग ऊपर चल जाओ, ये लो पहाड़ पे जाओ तुम लोग, बाकी हम जितना भी पहले सबको बेस पे डालते, ठीक है। और वो सामने घूम रहा भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 भाई साहब अभी खतरनाक फाइट होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, क्योंकि यार ये वाला फाइट अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा फाइट होने जा रहा है। और यहाँ पे देखो हम लोग आधा डाल चुके हैं बेस पे, देख यार ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है ये बताओ। देखो जितना भी पोकेमोन है, हम उम्मीद करते हैं कि यार ये वाला पोकेमोन को हम लोग पकड़ ले, मैं हम भी को भी वो ऊपर जाना है भाई, हमको भी ऊपर जाना हम भी यार, रुको अब यहाँ से उसको फायरिंग दो, यहाँ भाई साहब क्या ही भीड़ हो चुका है, वो दिख नहीं रहा है, उसको फायरिंग देना होगा। वो कहाँ गया, फायरिंग दे दिया उसको, बहुत सही, सब अलर्ट हो चुका है। ओ भाई साहब वो रहा भाई, वो रहा अटैक कर यार, यहाँ पे अपना मैमथ सबको जमा दिया है, मारो उसको भाई। हाथ में किसी के पास पोकेमोन है, फायर वाला पोकेमोन छोड़ो, फायर वाला मतलब जो पोकेमोन लेके भी आए सब छोड़ दो, मतलब आज ये जिंदा चाहिए मेरे को भाई, जिंदा। यार क्या ही, मुझे ऊपर से देखना भाई, आजा 17,000 हेल्थ, ये देखो भाई इसका हेल्थ देखो कितना ज्यादा है, और एक बार नीचे का व्यू देखो, कहाँ गया भाई, वो दिख नहीं रहा है, वो रहा उसको हम लोग मार सकते है भाई। अपना मेहमत गया, कितना मेहमत मर गया भाई, मार उसको, तीन मेहमत मर गया अपना, यार ऐसे कैसे चलेगा, तीन मेहमत भाई अपना मर चुका है, गोली चला इस पे, हमको ये जिंदा चाहिए भाई जिंदा। मेरा हेल्थ डाउन हो चुका है, मुझे खाना खा लेना चाहिए, जल्दी से हम खाना खा लेते हैं, वरना भैया हम निपट गए। और थोड़ा सा बैरी खा लेते, यार कितना ज्यादा हार्ड है इसको पकड़ना, मेरा मेहमत सब मरते जा रहा है, मुझे और मेहमत डालना पड़ेगा, मार भाई, मेरा वाला देखो जो फ्लेरी से वो खतरनाक मार रहा है, ये देखो एक मेहमत निपट गया, यहाँ दो मेहमत, तीन मेहमत, चार मेहमत, यार मेहमत अपना मरते जा रहा है, मुझे और पोकेमोन को बुलाना पड़ेगा, मुझे लगता है पूरा बेस का पोकेमोन आ जाएगा। तुम लोग फायरिंग रोकना मत, फायरिंग करते रहो, और हम यहाँ पे डालते बेस पे पोकेमोन, जो जो मर गया उसको रिप्लेस कर देते, क्योंकि यार हमें ये फाइट विन करना है, अपने पास ज़्यादा मेहमत बचा भी नहीं है गाइस, बिल्कुल मेहमत ज़्यादा नहीं है। चलो देखते जो जो मर चुका है उसको रिप्लेस करते, और यहाँ पे इसको रिप्लेस, और यहाँ पे इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। यार उसका हेल्थ कम हो रहा है ना, देखते रहना ना, देखो अभी रिप्लेस तो कर दिए हमारे पास, कहाँ भाई इतना लैग हो रहा है यार, दिख नहीं रहा बंदा, रुक जा मुझे ऊपर जाने दो भाई, मारो, उसका अभी तक हम लोग 1% भी हेल्थ कम नहीं कर पाए, और अपना मेहमत लोग सब मर गया है। लेडीज का डैमेज ज्यादा है ना, क्योंकि वो फायर टाइप पोकेमोन है, और वो देखो ये स्नो टाइप पोकेमोन है ना, तो हम लोग जीत सकते हैं। मुझे मतलब गलती हुआ गाइस, गलती क्या हुआ कि हम लोग को फायर टाइप पोकेमोन लेके आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, फ्लेरिस का हेल्थ जा चुका है, मुझे ये वाला ड्रैगन को बुलाना चाहिए, ये सही है भाई, ये वाला जर्मोनटाइड मारेगा, ये फायर टाइप पोकेमोन है, इसका डैमेज ज्यादा होगा, देखा जाए तो जीत सकते हैं क्या। कितना मेहमत बचा अपना, ओ भाई साहब इतना सारा मेहमत मर गया, और यहाँ पे विलेजर्स क्या कर रहा है यार, मार भाई मार उसको, क्या ही मतलब लैग हो रहा है स्क्रीन, देखने लायक फाइट है ये वाला, अपना एस्टागोन जा मार। चलो देखते हैं और कोई पोकेमोन को भेज पाए या फिर सब मर गया, देखो यहाँ पे दो ही मरा है, ठीक चल रहा है, इसको रिप्लेस कर देते, और ये वाला को भी रिप्लेस इससे कर देते, चलो यार सब जिंदा अभी तक, मार भाई मार जल्दी मार, ये देखो भाग रहा यार, क्या ही मतलब इसका हेल्थ है। चलो वेट करते हैं, बाकी अब तक तो हम लोग सही चल रहे, बस यार अपना जितना भी मेहमत है ये सारा मर गया, तो हम लोग गए भाई, जमा दिया मेरे को यार, इसका एचपी तो हम लोग कम कर दिए, बट यहाँ पे देखो सीन क्या है कि ये मर ही नहीं रहा है, और इतना ज़्यादा अटैक कर दिए, मुझे लगता है ना कि सारा पोकेमोन को डालना पड़ेगा। वेट, तुम लोग उसको इंगेज करो, हम तो और पोकेमोन को डालते हैं, सब मर गया भाई, एलिफेंट मर गया, अपना फायर टाइप पोकेमोन भी मर चुका है,
बट एस्टागॉन तो जिंदा है, एस्टागॉन को भेजेंगे, इसको भेजेंगे और किंग पाका, ये भी यार फायर टाइप नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी यार देखो हम सोचे नहीं थे कि इतना ज़्यादा हार्ड होगा इसको पकड़ना, बट अब आए हैं तो पकड़ के तो ले जाना ही है। बाकी अपना मैमद रिवाइव हुआ कि नहीं, रिवाइव पे तो डाले थे, दो मिनट और है, और देखा जाए तो यार अपना सारा पॉकीमॉन फिर मर गया यार। मुझे एक बार और पॉकीमॉन को चेंज करना पड़ेगा ताकि नया नया पॉकीमॉन आ जाए, शायद वो वाला टाइमर खत्म हुआ। चलो एक पॉकीमॉन रिवाइव हो गया, इसको डालते हैं अपना, और इसको भी डालते हैं, इसको भी डालते हैं। एमओ होगा, देखो एमओ लेके आए हो ना तुम लोग। चलो यार चार नया एलिफेंट हम लोग फिर डाल दिए, और अब देखते हैं क्या होता है। इसका एचपी कम हो गया थोड़ा, ऊपर से दिखाते नजारा, क्योंकि यार यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लैग हो रहा है। अब तक हम लोग तीन बार रीटेक ले चुके हैं, मतलब कि तीन बार अपना मैमद और चेंज, मतलब कि तीन बार अपना पॉकीमॉन को स्विच किए है, तब जाके इसका एक एचपी हुआ है। और यहाँ पे देखो भाई ये गंदा पिटा रहा है भाई, अब तो गंदा पिटा रहा है, और ऊपर से हम भी बजाते हैं इसको। ये ऊपर आ गया क्या? अनुबिस कहाँ गया भाई? मेरा अनुबिस नहीं दिख रहा, कुछ दिखा ही नहीं दे रहा यार। चलो ये रहा अनुबिस, मार अनुबिस, ये मारा भाई खतरनाक। इसका हेल्थ, इसका सर पे मारो, हेड पे मारो भाई, गंदा इसको डैमेज लग रहा है। मारो भाई। अपना अनुबिस मर गया, इसको भेजते हैं। यार अनुबिस भी अपना मर चुका है, और मैंने वो वाला टाइगर को भेजा है। चलो देखते हैं क्या होता है। यार सारा पॉकीमॉन मर चुका है लगभग देखा जाए तो। बस यार ये अकेले सबको लपेट रहा है, अभी तक इसका हेल्थ फुल है। यार क्या सीन है, मैमद को डालो बेस पे, मैमद को। तुम लोग के पास मैमद है ना? अब वक्त आ चुका है बैकअप निकालने का। मैमद डालो बेस पे, जल्दी। तुम लोग मैमद जितना भी पकड़े थे सब यार डालो, क्योंकि यहाँ पे भाई मर नहीं रहा भाई, ये खतरनाक हो रहा भाई। फाइट लंबी चल रही है फाइट, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना, क्योंकि यार दो बार तो मैमद मेरे ही मर के रिवाइव होके दोबारा आ गया लड़ने के लिए, और ये लोग का भी मैमद है कुछ। चलो देखते क्या होता है, मारने तो भाई बहुत मुश्किल से एक एचपी पे आए हम लोग। मुझे लगता है यार इतना काफ़ी होगा क्या। बुला लो वापस, सारा मैमद को बुलाओ वापस, बेस से हटाओ। यार क्या ही खतरनाक फाइट हुआ, मतलब एक एचपी करने में भाई कितना ज़्यादा मेहनत लगा है, और अभी भी इसका एक एचपी नहीं है। मेरा वाला वो जो भाई वो वाला पैल थक चुका है, मुझे दूसरा पैल को भेजना होगा। फ्लेरिस जा मार। चलो यार फ्लेरिस कुछ करेगा यहाँ पे, मार फ्लेरिस यार, इसका डैमेज अच्छा है, जल्दी मार। बाकी तुम देखो रिवाइव कर दो ओम प्रकाश, उसको रिवाइव कर दो, और ये देखो भाई डैमेज। मुझे लगता है अब कैप्चर हो जाना चाहिए, यार कैप्चर ही नहीं हो रहा भाई। कौन सा पैल स्पेयर लगेगा इसको कैप्चर करने के लिए? कोई पैल स्पेयर काम नहीं कर रहा इसके आगे। लेजेंडरी तो है मेरे पास, बट यार काम ही नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मेरा वाला फ्लेरिस इसको मार देगा, जल्दी मार फ्लेरिस। यार इसका हेड पे मारो, कहीं पे भी मारो, बट इसको डैमेज ही नहीं हो रहा है। कैप्चर हुआ, किसने कैप्चर किया? नहीं हो रहा कैप्चर, नहीं हो रहा है यार। वो लेजेंडरी वाला पैल स्पेयर देना तो मेरे को ओम प्रकाश, जल्दी देना लेजेंडरी। ओह भाई क्या ही मार रहा, जल्दी गिरा। अरे जल्दी गिरा दे। चलो यार लेजेंडरी वाला पैल स्पेयर मेरे को मिल चुका है, और अब शायद कैप्चर हो जाए, हो सकता है। वेट, मारना नहीं मेरे को, पकड़ना है, जिंदा पकड़ना भाई। वेट कर, 5% है, मुझे नहीं लगता कैप्चर होगा भाई। कैप्चर हो भी सकता है। और भाई इसी के साथ यार कैप्चर हो गया भाई, सच में कितना मेहनत लगा, कितना मैमद मर गया। चल के पहले वो दिखाते भाई साहब, ये लोग का अलग मैमद था, बैकअप हम लेके चल रहे थे, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। मतलब हम लोग का दो बार मैमद मरा है, वो तो अच्छा हुआ। ये रहा वो बॉस, चार मैमोरिस मरे, कितना, 400, पागल हो गए हो क्या भाई? चार। और यहाँ पे देखो भाई मैमद रिवाइव भी हो चुके, दोबारा भी गए लड़ने के लिए, उसमें भी मर गए, मतलब कि यार खतरनाक फाइट चला है। चलो यार चलो हम निकल रहे हैं फटाफट, तुम लोग पैदल आ जाओ, तुम लोग का सारा पॉकीमॉन मर गया ना, वो तो अच्छा हुआ कि फ्लेरिस हम बचा के रखे थे, वरना मेरा फ्लेरिस भी मर जाता। मुझे समझ में आ गया कि फायर टाइप पॉकीमॉन लेके जाना चाहिए। अभी देखो ब्रीडिंग वाला भी बचा हुआ है, देखना कि कौन सा रेयर पॉकीमॉन निकलता है। तो फटाफट टेलीपोर्ट पे चलते, वो रहा सामने टेलीपोर्ट, एक बार मैप पे देखते। हाँ चलो टेलीपोर्ट अपना इधर है, अब यहाँ से बस टेलीपोर्ट करना है, और चलो आ गए, जल्दी आओ सब अपना बेस में। तो सुनो ना, एक काम करो वो बेस पे आ जाओ जहाँ पे अपना ब्रीडिंग चल रहा है। तो ऑल राइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने वो वाले बेस पे। सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं वो पॉकीमॉन को। ये रहा भाई, इसको पकड़ने में क्या ही मेहनत लगा है। और एक चीज़ तो हम दिखाना ही भूल गए, क्योंकि यार हमारे पास एक अनोखा पॉकीमॉन था जो कि ब्लैक कलर में था, इसी का कलर का था यार, कहाँ चला गया वो वाला बेस पे। चलो कोई बात नहीं,
तो कहाँ गया वो पोकेमोन, कहाँ गया? ये रहा भाई, क्या ही इसका मतलब साइज देखो, अब तक का सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, खतरनाक लग रहा भाई, खतरनाक पोकेमोन है। तो चलो इसका ब्रीडिंग बताना, आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका ब्रीडिंग कौन सा होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। बाकी जो अभी का ब्रीडिंग चल रहा था वहां पे फोकस करते हैं, उम्मीद करते हैं कोई रेयर पोकेमोन निकले। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, यहाँ पे ब्रीडिंग कंप्लीट हो गया है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग आराम से आओ, हमको मिल चुका है एग, अब जाके हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा रेयर पोकेमोन निकलता है। तो एग रहा ये वाला कॉमन एग, भाई साहब कॉमन एग यार, क्या बात है, इसके लिए इतना मेहनत करवाया। चलो कोई बात नहीं, एक और एग है उसको भी ट्राई कर लेते हैं। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना कौन सा नेक्स्ट लार्ज स्क्रोलिंग, क्या नाम है इसको, ये वाला मुझे रेयर लग भी रहा है, ये वाला रेयर नहीं लग रहा है। तो अच्छा कमेंट दो यार ताकि रेयर पोकेमोन निकले। यार क्या निकला भाई, नाइट विंग, इतना गंदा भाई, नाइट विंग नहीं चाहिए था। किट्सुन भाई, किट्सुन को तो यार हमारे पास ऑलरेडी है, किट्सुन तो ऑलरेडी है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा कमेंट करना और इस बार हमारे पास नया पोकेमोन में ये वाला है। तो चलो यार इसको म्यूजियम पे डालते, म्यूजियम बनाए नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे म्यूजियम भी बना देंगे और नेक्स्ट वीडियो पे कोई बढ़िया वाला पोकेमोन को पकड़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।